नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर देहात पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया काबू। 500 ग्राम हेरोइन, 95,000 की ड्रग मनी की बरामद। विधानसभा क्षेत्र खेमकरण के अधीन आते गांव कलसिया कला में एक्साइज विभाग ने एक घर में की रेड 1000 लीटर लाहन, 20 बोतल अवैध शराब और 5 ड्रम लाहन के किए बरामद। अमृतसर में दिन दिहाड़े चोरों ने कोट रोड पर दो दुकानों को बनाया निशाना। 7,000 रुपयों की नकदी और अन्य कीमती सामान चोरी कर हुए फरार। और अब हलचल विस्तार से। एसएसपी देहात सतिंदर सिंह की अगुवाई में नशों के खिलाफ लगातार मुहिम चलाई जा रही है। इसी के तहत एसएचओ जंडियाला बलविंदर सिंह ने अपनी पुलिस पार्टी सहित अड्डा बंडाला लिंक रोड गांव पखोके के नजदीक नाकाबंदी की हुई थी। कुछ समय पश्चात गांव पखोके की तरफ से एक कार आती हुई दिखाई दी, जिसे एसएचओ बलविंदर सिंह ने रुकने का इशारा किया तो उसमें बैठे ड्राइवर ने कार को रोकने की बजाय भगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बड़ी मुश्किल से बैरिकेड लगाकर कार को रोका और जब उसकी तलाशी ली गई तो बैग में से 500 ग्राम हेरोइन, 95,000 रुपयों की ड्रग मनी बरामद की गई, जिसके बाद कार सवार आरोपी को काबू कर लिया गया, जिसकी पहचान बलजीत सिंह उर्फ मुरली निवासी गांव धारड़ के तौर पर हुई है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। कल असी सीनियर अफसरां दे हदायतां मुताबिक असी बडाला रोड तों पखो के मोड़ ते सी नाका लाया सीगा। एक रात नूं स्विफ्ट गड्डी जिसका नंबर DL3CAW8328 सीगा, ओह पखो के साइड तों अपना बडाला रोड वाले पासे नूं आई, जिहनूं असी रोकण दा इशारा कीता, जिहनूं असी जदों राउंड अप कीता ते जिहदे कोलों 500 ग्राम हेरोइन ਅਤੇ 95,000 ਰੁਪਈਆ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਜਿਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 5 ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁਕੱਦਮੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਮਾਊਂਟ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਬੋਲੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਆ, ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਖੇਮਕਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਆਤੇ ਗਾਓਂ कलसिया कला में एक्साइज विभाग की टीम की ओर से एक घर में रेड कर नाजायज शराब बरामद की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एक्साइज विभाग के इंस्पेक्टर अमरीक सिंह ने बताया कि आरोपी सोनी के घर में रेड की गई, जिसके घर से 1000 लीटर लाहन, 20 बोतल अवैध शराब और 5 ड्रम लाहन के बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि गुप्तचर की सूचना के आधार पर ये रेड की गई है। फिलहाल आरोपी पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बीकी विंड से हलचल के लिए भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। एक्साइज इंस्पेक्टर मीर सिंह, एसएसपी तरनतारन, एक्साइज कमिश्नर अमृतसर रेंज, आबकारी ईडीओ नवजोत भारती दिशा निर्देशों हेठ अज असी पिंड कलसिया ਸੋਨੀ ਦੇ ਘਰ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਰੇਡ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਗਲੇ ਬਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬੜਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ 5 ਟਨ ਲਾਲ ਵੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ, ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ, ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਲਾਣ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ? 1000 ਲੀਟਰ ਲਾਣ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 15-20 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ। ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ? ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਕਲਸਿਆਂ। अमृतसर में दिन दिहाड़े कोट रोड पर चोरों द्वारा दो दुकानों को निशाना बनाया गया। इस दौरान चोर सेंधमारी कर दुकान में दाखिल हुए और एक दुकान में से 7,000 रुपयों की नकदी चोरी कर फरार हो गए।
जबकि दूसरी दुकान का मालिक फिलहाल बाहर होने के कारण वहां हुई चोरी का नुकसान पता नहीं चल पाया है। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस मौके पर पुलिस अधिकारी ने बताया कि चोर काफी शातिर थे, इसलिए वे इस घटना को अंजाम देकर आसानी से निकल गए। फिलहाल आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं, जांच के बाद ही बनती कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम ऋषभ है जी, साड़ी कोर्ट रोड के समरसेबल पंप की मोटर की दुकान है। मैं सवेरे 12:45 बजे शॉप से आया तो आके मैं शटर ओपन किया तो अंदर लाइट्स चल रही हैं, जबकि असं हमेशा बंद करके चलते हैं। तो जो मैं उपर देखा तो साढ़े उपर स्टोरेज स्पेस हैगी, बैक साइड से मंदिर लगता है, साढ़े वो खुडा बजा हुआ है। तो खुडे के कोई बंदे एंटर किए हैं, सवेरे किए रात को किए, नहीं सानू पता लगा। नाल ही साढ़े कंध नाल कंध सांझी हैगी, गन हाउस है, रॉयल गन हाउस, उत्थे एंटर कर गए उन्होंने अंदर। हूँ वो भी आए, उन्होंने देखा उन्होंने स्ट्रोंग रूम सेफ है, एज़ इट इज़ कुछ नहीं गया उन्होंने, साढ़ा 5-7 हज़ार रुपया कैश है, असं सिर्फ उही लैके गए, होर कोई समान साडा नहीं गया। उन्होंने अंदर कैमरे में स्प्रे मारी है, प्लस उन्होंने DVR भी नाल लै गए। नहीं कैश का ही है जी, उन्होंने भी कैश, उन्होंने जो ओनर है वो आउट ऑफ स्टेशन है, आ रहे हैं वापस, वो दसन कि कैश है। साढ़ा 5-7 हज़ार रुपया कैश है, इसको ज़्यादा कुछ नहीं गया। हाँ सिर्फ कैश गया, होर कोई चीज़ नहीं गई है। साढ़े को CCTV कोई नहीं है जी, ना साढ़े अंदर कैमरे लगे, गन हाउस लगे, वो अंदर उन्होंने स्प्रे मारती, बाकी DVR नाल लै गए। दो बंदे सुनते बच्चे आया, क्योंकि सवेरे बैक साइड तो मंदिर चो एंटर किए, कहते 10 बजे आए हैं, ये कह गए कि असं AC लगाना है। AC कि दुकान से लाना, कि दिन लगाना, उन्होंने ये नहीं कोई भी पर्टिकुलर नहीं दस्या पंडित जी ने, उन्होंने कहा जी AC लगाना, उन्होंने कहा जी जाओ देख लो। तो उन्होंने सुबह खुडा मार के अंदर एंटर करके तो समान जिन्ना हो सके लै गए, दो दुकाना निशाना। पुलिस आ गए, बयान लिख के लै गए हैं, हूँ जाके उसे देखते हैं, रिपोर्ट पाते हैं जी। क्योंकि यह तकरीबन 1-1.5 महीना पहले भी टारगेट इन्होंने सारे बाहर जिन्हें AC लगे हुए थे, तुम देख सकते हो जी उपर, ये सारे AC की पाइप्स गई हैं, एक दो के बाहर आउटडोर गए हैं। सामने भी तुम देखो लोगों ने अपनी प्रोटेक्शन आप की हुई है कि जालियां लगाई हैं। मेन ये काम है नशेड़ियाँ का, जिहड़े सामने पुल के उत्ते बैठे रहेंगे, असं पहले भी कई बार उत्थे नोटिफाई कर चुके हैं पुलिस ने, क्योंकि उपर बैठ के देखते रहेंगे कि जितों टारगेट रात को बना लेंगे तो उतों उन्होंने अटैक करते। फिर हूँ दिन की शुरू हो गई है जी, लॉ एंड ऑर्डर देखो जी, पुलिस हूँ छतों पर वाकई नहीं चढ़ सकती, वो भी कोई गल ठीक है। हूँ जो दिन वाले बंदा आ जाएगा उत्थे अननोन परसन है, तो उस की कह सकते हैं कौन सी कौन ही, यह है प्रॉपर लेकिन ब्रेकिंग करके ही आदमी आया, जिन्होंने पता है कि इतों अभी थले उतर के गाना उस एंटर कर सकते हैं। ये सानू जी कोई 9:30 बजे फोन आया कि नाल दुकान तो भी इन्होंने ताे इतने दुकान के अंदर वड़ गए बंदे, तो अं आके वेख्या हाले साढ़े जी सेफ कस्टडी से बंद ही है, लॉक ही है, मतलब बाहर जी बजुक पी वही हाले गिनती कर दी ने। कैश कुछ लैके कैश है जी, कैश हले मेरे ब्रदर ने छोटे पता है कि रोड़ा जी हाँ जी कि कैश रात की गिनती नहीं थी कभी ये नाल की शॉप तो जी उपरों कंध फट के आए हैं, तो जो उन्होंने पूछा गया ही जो साखी नहीं मुझे सा गैर मौजूदगी पिछले पंडित जी ने उन्होंने पूछा गया भी तो AC ला रहे हैं जी, वो कहते बालक कितने जिन्होंने AC लवाना, वो कहते आ रहे हैं लवा, उन्होंने सानू कहता ला दो संडे का चले नहीं मगर सारी इतने सेफ्ट कस्टडी थी, जी पंडित की गल हुई है वो 8-9 बजे भी गल हुई, उन्हें दो जने से मैं मेरे छोटे ब्रदर ने कहा हाँ जी कहते तुम जल्दी पहुंचो उत्थे भी उत्थे गल हो गई, पुलिस आ गई जी, पुलिस मौके तो मेरे तो पहले आ गई, बड़ा अच्छा पुलिस ने साडा सहयोग किया जी, मतलब मेरे हाथ तो भी पहलों आ गई। वो कहना चाहवागा कि कोई यहोजी कोई गल नहीं गई, मतलब साढ़े जेडे सेफ कस्टडी वैपर थे तकरीबन वो खुला ही नहीं गा उन्होंने कुछ, क्योंकि सेफ कस्टडी बहुत स्ट्रोंग होंगी। पर मालिक आन दिया वा बिल्कुल सेफ है असला, कोई चीज नहीं खड़ी उन्होंने, नहीं कैश बारे नहीं कैश बारे उन्होंने कोई आइडिया गा, उन्होंने पापा जी का अगर मैंने पैसे पे 2-400 रुपया वही है वा
ਕੈਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਖੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿਤਨੇ ਜੁੜੀ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਪਾ ਲੱਗੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿਨੇ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਤ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਲੇਟੈਸਟ ਬਸ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਏਸੀ ਲਾਉਣ ਆ ਏਸੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਪਸਾਇਰ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ अमृतसर की हिंदुस्तान बस्ती में भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के प्रोग्राम को लेकर विशेष तैयारी की गई थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष तौर पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमृतसर के लोगों में बैठकर उन्होंने मन की बात प्रोग्राम को देखा है, तो वहीं मन की बात प्रोग्राम में कलश यात्रा कार्यक्रम की बात को लेकर उन्होंने कहा कि मन की बात पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि देश में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वे कलाकार हैं या फिर चित्रकार, उनके बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि एक गांव में फुटबॉल खेलने वाले इतने नौजवान तैयार हो गए कि इस गांव का नाम विचारपुर की जगह न्यू ब्राजील रख दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम जिनसे लोगों को देश की जानकारी मिल सके, उसे मन की बात कहते हैं। उन्होंने मन की बात प्रोग्राम को लेकर सभी लोगों को बधाई दी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। देखिए, मन की बात जो प्रधानमंत्री जी करते हैं देशवासियों से, ये पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। मन की बात में राजनीति का रह नहीं आता है, पॉलिटिक्स का पी नहीं आता है। देश में जो अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो कलाकार हों, चित्रकार हों, आज आपने देखा होगा कि एक गांव में फुटबॉल खेलने वाले इतने नए युवा तैयार हो गए कि इस गांव विचारपुर का नाम ही न्यू ब्राजील रख दिया लोगों ने। तो ऐसे कार्यक्रमों से देश को जानकारी मिले, वो मन की बात का कार्यक्रम है। मुझे भी आज अवसर मिला अमृतसर में, इस हिंदुस्तान बस्ती में, सबके बीच में, पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के मध्य ये मन की बात देखने का। आप भी सब यहाँ साक्षी बने, मैं आप सबको भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। 10 साल पहले जो उद्देश्य लेकर मन की बात की शुरुआत की गई थी, वो आज उद्देश्य उसका वो पूरा होता दिखाई देता है। देखिए, मन की बात का प्लेटफॉर्म मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही शुरू किया, टू कनेक्ट पीपल। तो राजनीतिक हम कार्यकर्ता है, हम राजनीतिक पार्टियों में उनसे जुड़ जाते हैं। मैं लोकसभा में हूँ तो लोकसभा के माध्यम से जुड़ जाते हैं। जनता का बहुत सा ऐसा वर्ग है जो खिलाड़ी है, चित्रकार है, संगीतकार है, वो देश का नाम तो रोशन कर रहा है, कोई समाज सेवा कर रहा है, लेकिन उसका जिक्र कोई अखबारों में या किसी माध्यम से नहीं होता, तो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। इस ग्रे एरिया को प्रधानमंत्री जी ने समझा और मन की बात कार्यक्रम शुरू किया। आपने ठीक कहा, ये सफलतम कार्यक्रम हुआ है। मन की बात के जरिए मोदी जी ने देश का मान और सम्मान बढ़ाया। पंजाब में मोबाइल पीछे कर रहे हो, लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, मोबाइल पीछे कर रहे हो, अपना क्लस्टर के 3 क्लस्टर का लोकसभा का इंचार्ज बनाया हुआ है अमृतसर के, उसमें भी एक मोबाइल पीछे कर रहे हो। उसके बाद पंजाब का प्रधान जो बनाया गया है जाखड़ जी को, क्या लगता है पंजाब में 2024 में कैसा रहेगा बीजेपी का प्रदर्शन? देखिए, मेरे पास जो क्लस्टर है उसमें 4 लोकसभा क्षेत्र है, 3 पंजाब की है, 1 जम्मू कश्मीर की है, अनंतनाग। भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर संगठन में परिवर्तन होते रहते हैं और मैं समझता हूं कि जो नए प्रधान हमारे प्रदेश के बने हैं सुनील जाखड़ जी, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी और 2024 के चुनाव में यहां पे ज्यादा से ज्यादा कमल खिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। घर घर तिरंगा का संदेश दिया है मोदी साहब ने। हाँ, ये एक प्रधानमंत्री जी ने अभी मन की बात में कहा कि पिछले वर्ष 75 वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव
और उसके दौरान 13, 14, 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान तो बड़े स्तर पे था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर वर्ष कोई न कोई विशेषता लिए हुए कार्यक्रम रहेगा, जैसे मेरी माटी मेरा देश, ये कार्यक्रम इस साल की विशेषता लिए हुए रहेगा, लेकिन हर घर तिरंगा अभियान प्रत्येक वर्ष मनाना है, ये संदेश दिया, जिससे तिरंगे के प्रति भी भाव बढ़े, राष्ट्र के प्रति भी भाव बढ़े। एक माटी का किया है, कलश यात्रा, अमृत कलश यात्रा, मेरी माटी मेरा देश, हर गांव से जो कलश यात्रा निकलेगी, फिर उसमें पेड़ भी रहेगा, फिर उसको कई एक जगह ले जा करके उसका समापन होगा, ये भी अपने आप में, ये जो मेरी माटी है, तिलक करो इस माटी से, ये जो भाव है, इस भाव को आगे बढ़ाया जाएगा। पंजाब सरकार बाढ़ से निपटने के लिए कितना सफल साबित हुई है? क्या बाढ़ जो आया है पंजाब में, देखिए फ्लड मैनेजमेंट में मैं तो पहले भी कई बार आपको कह चुका हूँ कि जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है ना किसी स्टेट का, तो सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है। पंजाब सरकार का लॉ एंड ऑर्डर एकदम से ही बिगड़ा हुआ है, कोई गवर्नेंस है ही नहीं, फ्लड मैनेजमेंट में भी ये फेल हुई है सरकार। अमृतसर के लॉरेंस रोड स्थित नेहरू शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मशहूर हीरा पनीर वाले की दुकान पर अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जिस समय ये हादसा हुआ उस समय कई लोग दुकान के बाहर कुर्सियों पर बैठे हुए थे। इस दौरान आग की लपटों को देख भगदड़ मच गई और लोग दुकान से दूर भाग गए। दुकान की किचन के पास अचानक स्पार्किंग हुई और कुछ मिनटों में ही आग की लपटें भड़क उठी। आग भड़की देख लोग भागने लगे कि तभी आसपास के दुकानदारों व दुकान में पर बैठे लोगों ने पानी डालकर 15 मिनट में ही आग पर काबू पा लिया। अगर सभी लोग आग पर काबू पाने के लिए आगे ना आते तो एक बड़ा नुकसान हो सकता था। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। Hola.
भगवान वाल्मीकि आश्रम संत महासभा की ओर से वाल्मीकि मंदिर परिसर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गद्दी नशीन महंत मलकियत नाथ और ओम प्रकाश गब्बर ने कहा कि मंदिर परिसर में लगी टाइल और फर्श टूट गए हैं और मंदिर में सौंदर्यीकरण के अधूरे काम होने बाकी हैं। उन्होंने सरकार से मंदिर में जनरल मैनेजर लगाने की मांग की, जिससे मंदिर के काम शुरू हो सके। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जल्द जनरल मैनेजर ना रखा तो वे 21 अगस्त को रोष प्रदर्शन करेंगे और भंडारी पुल को जाम करेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हर हर वाल्मीकि आज पावन वाल्मीकि तीर्थ विखे संत समाज नूं इक ऐलान कीता गया, जो कि प्रशासन की लापरवाही का सदका है। इत्थे 2 साल तो GM की सीट खाली, मैंबरां की सीट खाली, लापरवाही पूरी चलती पई। सीवरेज ब्लॉकेज, सफाई ब्लॉकेज, इत्थे तई कि इहदा जिहड़ा प्रबंध हैगा एक ठेकेदार दी करिंदी नूं दित्ता पिया, वह बंदा है जिहड़ा गल्ला चोरी करदा फड़िया गया सी, माफ़ी भी मंगदा सीगा, लेकिन उहनूं प्रबंध दित्ता पिया जो कि सहन करन तों बाहर हैगा। साडी इही प्रशासन अगे मंग है कि वी जेटली उहदे ते FIR दर्ज कीती जावे, नाल इत्थे GM लाया जावे ते नाल उहदे मैंबर लाए जाण, इत्थे दी सफाई, इत्थे दा सारा प्रबंध कीता जावे। लापरवाही दा सिस्टम यह है कि दलता का तीर्थ है, जिस करके लापरवाही होंगी है, ये सहन नहीं किया जाए। उसके वास्ते संत समाज ने निर्णय लिया कि 21 अगस्त को भंडारी पुल के ऊपर जाम लाया जाएगा। धन्यवाद। जय वाल्मीकि हर हर। आज जो पावन वाल्मीकि तीर्थ के उत्ते साध संगत की और जथेबंदियों की जी मीटिंग हुई है, क्योंकि जोड़ा 2 साल तो GM जोड़ा इतने नहीं लग चुका, पता नहीं किनियां कंप्लेटां जिहड़ियां वो असीं DC साहब नूं दे चुके हैं, सरकार नूं भी, पर उन्हां नूं कोई किसे दा भी जिहड़ी वो पता नहीं लगा। इस करके अज मता पाया गया वा कि 21 तरीक नूं 21 अगस्त दे उत्ते जिहड़ा वो भंडारी पुल जिहड़ा वो जाम कीता जाऊगा। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕਿ ਹਰ ਹਰ ਵਾਲਮੀਕਿ। ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਨਾਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨ ਕੀਰਤਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ DC ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਗੇਲੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੀਰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਲੱਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਲੋਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਲੋਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੀਰਥ ਧੂਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 21 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਵਾ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕਿ ਹਰ ਹਰ। श्री महाशक्ति कला मंदिर में 24 जुलाई से 30 जुलाई तक आयोजित संगीत में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह, ज्ञान यज्ञ, हवन व विशाल भंडारे के साथ
संपन्न हुआ। इस मौके पर आयोजित भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। यज्ञ स्थल पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी रही। सर्वप्रथम कथावाचक व्यास पीठ पर सुशोभित डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री व उनके सहयोगियों ने हवन किया। इसके उपरांत यज्ञ में आए सैकड़ों लोगों ने आहुति डालकर सुख समृद्धि एवं शांति की कामना की। शास्त्री जी ने कथा में कृष्ण सुदामा का प्रसंग सुनाकर श्रोताओं को भावुक कर दिया। इस मौके पर इंद्रपाल गर्ग, अनिल दत्त शर्मा, राजेश कुमार, जिमी मित्तल, शमी सिंगला, हरीश गोयल, नरेश सिंगला, मनीष जिंदल, मनीष सुंदरी, विनोद वर्मा के अलावा सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। देवता शांति ही पृथ्वी शांतिरा पद्म अभिषेक कर दे। चाहे लोग बोलिया बोले, चाहे लोग बोलिया बोले, लोग बोलिया बोले, चाहे लोग बोलिया बोले, श्याम राधा जी, चाहे लोग बोलिया बोले। मैं जिमी मित्तल, प्रधान श्री महाशक्ति कला मंदिर बरनाला। ये भागवत कथा लगातार 17 सालों से चल रही है। यह 17वीं भागवत कथा है। यह कथा पंडित श्री सूर्यकांत शास्त्री द्वारा की जाती है। बड़ी मधुर आवाज़ च पंडित जी इस विस्तार पूर्वक इस कथा नूं करदे हन। सानू बरनाला निवासियों का बहुत सहयोग मिलता है। सारे बरनाला दी मीडिया का सानू बहुत सहयोग मिलता है। सारे बरनाले दे सहयोग नाल इस कथा का सारे शहरवासी आनंद माणदे ने। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनिल दत्त शर्मा, आज बड़े हर्ष का विषय है कि श्री महाशक्ति कला मंदिर की ओर से संपन्न 17वें श्रीमद् भागवत महायज्ञ का समापन हुआ है। बड़ी खुशी खुशी बड़ी श्रद्धा से पूरे नगर निवासियों के सहयोग से आज ये आयोजन पूरा हुआ है। पिछले 17 सालों से लगातार डॉक्टर सूर्यकांत जी शास्त्री इस कथा को कर रहे हैं और इस क्षेत्र के सभी भक्त बड़े उत्साह के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ इस समारोह में शामिल होते हैं। शहर के लोगों का बहुत बड़ा योगदान हमें मिलता है, बहुत सदान आता है। करीब 108 ही यजमान इस बार थे ऐसे जिन्होंने पूजा करवाई और हमें सहयोग दिया। हम इस मंच से सभी शहर निवासियों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें सहयोग दिया। हमारे सभी सदस्यों ने श्री जिम्मी मित्तल जी प्रधान जी की अध्यक्षता में इस समारोह में पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ कार्य किया और इस कथा का समापन हुआ। पूर्व कैबिनेट मंत्री विजय सांपला परिवार के नाती विभिन्न अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए थे। उनके आत्मिक शांति हेतु अंतिम अरदास श्री गुरु रविदास धाम बूटा मंडी जालंधर में की गई। इस मौके पर भाई बलबीर सिंह खालसा रागी जत्थों ने वैराग में कीर्तन कर स्वर्गीय विभिन्न की आत्मिक शांति हेतु अरदास की। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, गो सेवा मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, विधायक रमन अरोड़ा, विधायक शीतल अंगुराल, सत्याभूषण जैन, प्रदीप खुल्लर, हिमांशु शर्मा, डॉक्टर आशीष कपूर, डॉक्टर नवनीत कपूर, अमित सांपला, हरीश चौधरी, सेठ सतपाल मल, रमेश शर्मा, अमरजीत सिंह अमरीश सहित धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय बिबिन को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। साबका केंद्रीय मंत्री विजय सांपला परिवार के नाती बिबिन दा 19 तारीक नू देहांत होया सी। अज जलंधर दे श्री गुरु रविदास धाम बूटा मंडी विच उना दी अंतिम अरदास रखी गई। इस दुख दी घड़ी दे विच सांपला परिवार दे नाल दुख सांझा करन दे लई प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक ते धार्मिक शख्सियतां पहुंचियां।
जिन्हां ने भावुक परिवार नूं हौसला दिता। इन्हां विच गौ सेवा मिशन दे राष्ट्रीय प्रधान स्वामी कृष्णानंद महाराज, MLA शीतल अंगुराल, MLA अमन अरोड़ा, दैनिक सवेरा दे मुख संपादक शीतल विज, सत्य भूषण जैन जो कि एक मशहूर उद्योगपति ने, रमेश शर्मा, सेठ सतपाल मल, अमरजीत अमरी मौजूद रहे। इत्थे ही भाई बलबीर सिंह खालसा रागी दे वलो कीर्तन करके इस भावुक माहौल नूं होर भावुक कर दिता। इस मौके अमित सांपला दे वलो भावुक स्पीच राही बिबिन दी शख्सियत ते चानना पाया गया। बिबिन बचपन तो ही गंभीर बीमारी दे नाल ग्रस्त सन, पर ओ सांपला परिवार दे बहुत ही लायक बच्चे सन, जिन्हां छोटी ते इस थोड़ी जही जिंदगी विच ही परिवार दा नाम रोशन कीता। Thank you.
अवस्था जान तीन अवस्था ने इस जिंदगी दी जिंदगी दे तीन पड़ा ने बचपन जवानी ते बुढ़ेपा कहते बचपन आता बीत जाता है जवानी आती लग जाती है पर बुढ़ेपा नहीं जाता सात संगत जो बुढ़ेपा जाता है मनुख नाल लेके जाता है इस जिंदगी दा तीन पड़ा ने अज समा साडे कोल है असीं समय नूं लैके तुरीए समय नूं संभालीए समय नूं अपने हाथ विच लईए सानू पता होना चाहिए अज जो सवाल साडे सामने गुरु रविदास ने खड़ा कर दिता प्राणी क्या तेरा क्या मेरा सानू पता होना चाहिए संसार च साडा है कि असीं संसार च लैके की आए हाँ ते इत्थों लैके की जाना है मनुख केवल ते केवल एक खाली हाथ आया सी ते खाली हाथी जा हुण इस जगह ते असीं कह दिंदे आ कि मनुख खाली हाथ आया सी ते खाली जांदा है सात संगत ना खाली आउंदा है ते ना खाली जांदा है ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जिन्हां नूं सारा वर्ल्ड सारा संसार जानता है उन्हां ने आख्या ना मनुख संसार दे विच खाली आया सी ते ना मनुख संसार तों खाली गया कहिंदे असीं केवल ते केवल मनुख दे हथ वेखे कि मनुख हथां तों खाली गया कहिंदे नहीं मनुख अपने कर्म लैके आया सी संसार दे विच ते उहनां कर्मां दे अनुसार मनुख ने जिंदगी जी है संसार दे विच जिहड़ा आपां संसार दे विच विचरने आ ना कितने आना कितने जाना कितने लैन कितने देन किन्नी कु असीं बंदगी कीती है किन्ना कु असीं गुरु घर जाने हाँ इह सारा उहनां कर्मां दी खेड है सारा उहनां कर्मां दे अनुसार हुंदा है कहिंदे मनुख केवल ते केवल नाम जपण वास्ते आया है मनुख संसार दे विच अपने कर्म लैके आया सी खाली नहीं आया सी ते उहनां कर्मां दे अनुसार मनुख ने संसार दी यात्रा कीती ते उही कर्म लैके मनुख पावन हजू विच बैठे सारे ही प्रभु प्रेमी हो आओ उन्होंने नाम का उच्चारण करिए बोल सतगुरुदेव कविदास महाराज की हुने हुने भाई बलबीर सिंह जी खालसा जी ने अपने मुखर दिन तो संकीर्तन दे नाल संगतां नूं निहाल किया इस आश्रम की गति पर विराजमान पूज्य संत जी समाज के बख बख अदारियां तो आए इस गुरु धाम च बैठे इस परिवार के नाल स्नेह रखण वाले जिन्हां नूं इस बच्चे दे परलोक गमन ते दुख होया सारे ही भैनों भराओ बहुत ही दुखद समय है जब इस परिवार का बच्चा बीबन मात्र अपनी आयु दे 20 साल भी पूरे नहीं करके सानू सारियां नू छड़ के अपने उस स्थान नू चला गया जो सतगुरु रविदास महाराज जी ने उहदे लई लिखिया सी कि कोई सोच सकता है कि मात्र प्लस टू दे विच पढ़दा बच्चा अपनी उम्र तो 20 साल वड्डे बंदियां जिन्नी बुद्धि रखता होवे हमेशा चेहरे ते खुशी रहिंदी होवे और पिछले 10 साल तो सब तो ना मुराद बीमारी चो ग्रस्त होवे उस बच्चे की मुस्कुराहट जिहड़ा भी अज तक उस बच्चे नू मिलिया उन्हूं इदां लगा भी जिदा पता नहीं किन्नी खुशी इस बच्चे ने अपनी मुस्कुराहट राही मेरे ते नछावर कर दित्ती शायद वो कह रहा हुंदा सी कि जिन्ने तुहानू कष्ट है सारे मैनू दे दिओ
मैं झंड लवांगा, मैं हसदा खेड़दा मुस्कुरांदा उन्हां दुखां नूं चलदा होया तुहानूं सारिआं नूं अलविदा कह जावांगा। जिस वेले सोहणे लाए हुए बूटे फुल्लां दिआं दे पानी दे के माली सींचदा है, रुत आंदी नवीआं कौंपलां उगदियां, फुल खिड़न लई छोटियां छोटियां डोडियां बनदियां, वो रोज़ देखण जांदा कि मेरी मेहनत सफल हुंदी जा रही है, मेरे हत्थां दे लाए हुए बूटे सोहणे फुल देणगे। पर किन्ना दुख हुंदा है उस माली नूं ते उस बाग च विचरण वाले लोगां नूं जिसले ओह फुल खिड़न तों पहलों ही मुरझा जांदे ने। अज हर अख नमन है, अख च हंजू है, जिवें ओह बच्चा जिन्नियां साडियां खुशियां सी सारियां लै गया होवे अपनी उस मुस्कराहट दे नाल नाल, ते सानू दस गया होवे भी जीवन भावें छोटा होवे इदां जीना है। इस कैंसर की बीमारी नाल पीड़ित व्यक्ति किन्ना क दर्दां दे नाल दुखां नाल जकड़िया हुंदा है, पर उस बच्चे ने सहंदिया होया कभी इस गल का सामने व्यक्ति नूं जां अपने परिवार नूं अहसास नहीं होण दिता कि मैं बहुत दुखी हाँ जां मैं परेशान हाँ। ये आवाज़ जदों कन्ना च पैंदी सी बिबिन दी, मन नूं इक इन्ना सकून हुंदा सी कि साडा बच्चा साढ़े विच है। 19 जुलाई 2023 नूं वो आवाज़ बंद हो गई, बोल नहीं हो सकता क्योंकि बिबिन एक इहो जिहा प्यारा बच्चा, लेकिन उहदियां यादां जिहड़ियां उहनूं आपां जिंदा रखणा है। सो इस करके मैं तुहाडे विच आया। सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन हजूरी विच सारी संगत, जय गुरदेव, धन गुरदेव। बिबिन एक इहो जिहा प्यारा बच्चा, इहो जिहा होनहार बच्चा, उहदियां जे तारीफां करन लग जाइए मेरे ख्याल नाल सारा दिन लग जाएगा, लेकिन वो ना उहदियां गल्लां खत्म होणगियां ना उहदियां तारीफां खत्म होणगियां। मैं क्योंकि गल्लां बहुत इन्नियां गल्लां आ, 10 साल उस बच्चे दे नाल असीं अपने कट्टे आ, सो गल्लां इहो जिहियां आ कि गल्लां करन लग जाइए तां गल्लां बहुत लंबियां चले जाइयां। लेकिन मैं सारिआं नूं इह बेनती करदा कि 5-7 मिनट का मैं समां जरूर लऊंगा, सो 5-7 मिनट कोशिश करूँगा कि बिबिन बारे मैं तुहानूं सारिआं नूं जाणू करा सकां, अपने पुत बारे तुहानूं सारिआं नूं जाणू करा सकां। बिबिन नाल साडा सफर, वो कहावत है ना, जहां से शुरू वहीं पर खत्म। साडा उहदे नाल सफर दिल्ली तों शुरू होया और दिल्ली जी वो अपना साडे नाल सफर मुका के चला गया। वो प्यारा बच्चा जिहदियां यादां लैके अज असीं इत्थे सारे इकट्ठे होए आ। साडा उहदे नाल शुरुआत किद्दां होई मैं वो तुहाडे नाल सांझा करना चाहूँगा। जदों सापला साहब नूं केंद्र दे विच मंत्री बनाया, साडे घर दा जिहड़ा उत्थे सरकारी कोठी सी उहदा जिहड़ा जिस दिन असीं शिफ्ट कीते सीगे उस दिन उत्थों वापस आ रहे सी कार दे विच, मैं, चाची शालू, असीं रास्ते कितें करनाल दे कोल पहुँचे, वापस आ रहे सी कार दे विच, रास्ते च कितें चाह पानी लई रुके सीगे ते तरसेम मामा जी दा फोन शालू नूं गया कि शालू तू कित्थे आ। वह कह रहा मैं दिल्ली तो वापस आ रहा, कहिंदे तू दिल्ली वापस पहुँच, बिबिन तू कोई प्रॉब्लम हो गई है उहनूं आपां चैक कराना है, सो तू वापस दिल्ली पहुँच। तो शालू उत्थों जिदा ही उन्हें पता लगा उन्हें उतों ही कोई ना कोई अरेजमेंट करके वो वापस चला गया, असी पंजाब नूं आ गए। सो साडा सफर इदां शुरू होया कि एक जदों पता लगा कि बच्चा आया
सो एक बच्चे होने करके थोड़ी जी उहदे नाल सिंपथी हुई कि बच्चा आ, लेकिन कितने ना कितने दूर की रिश्तेदारी कह लो वो जिदा एक जनरल तौर पर हुंदा है भी साडा एक रिश्तेदार है जां साडा एक छोटा बच्चा आ वो बीमार हो गया दो मिनट के लिए मन नूं होया, लेकिन बाद में जिदा आप सारे नॉर्मल हो जाने असीं भी नॉर्मल हो गए। उस तो बाद बच्चा दिल्ली के रहन लग पाया साडे घर दे विच, क्योंकि दिल्ली के रहना क्योंकि हॉस्पिटल का सारा इलाज दिल्ली के चलता से उत्थे घर रहना, असी अक्सर दिल्ली के रेंदे हुंदे सीगे, तो जदों नाल बच्चे दे रहना तो सारिया यादा जिहड़ियां वो बच्चे दे नाल हमेशा खेलना उठना कूदना। साढ़े नौ साल का बच्चा, साढ़े नौ साल का बच्चा दुबई के यो जी ना मुराद बीमारी लैके साढ़े बच्चे आया कि मैं कोई सोच भी नहीं सकता कि साढ़े नौ साल इन्ने प्यारे इन्ने चिंता हुई पेरेंट्स नूं कि की होया आ, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने एम आर आई करन तुरंत कह दिता। एम आर आई दे विच डॉक्टर नूं शक हो गया कि एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो कैंसर दे नाल जूझ रहा सी। वो बीमारी उन्हों लग गई, डॉक्टर ने कहा कि इहदा इलाज जल्द तो जल्द कराने की कोशिश करो। सो ये लैके उन्हों दिल्ली आ गए। दिल्ली के जिदा मैं दसिया कि शालू भी उत्थे वापस पहुँच गया, दिल्ली के इलाज शुरू हो गया। अपोलो हॉस्पिटल के इलाज शुरू होया, जिमें कि रमेश शर्मा जी ने हमने तेरे साझी गल की, योजा दलेर बच्चा, योजा दलेर बच्चा। मैं क्योंकि तो राजनीतिक परिवार के बहुत दुनिया देखी, बहुत लोग देखे, दलेरियां भी बहुत देखिया, लेकिन एक बच्चे एड्डी वड्डी दलेरी मैं अज तक नहीं देखी। मैं अज भी उन्होंने सल्यूट करता हाँ कि वह बच्चे की जी दलेरी सी वो दलेरी अज तक मैं किसी नहीं। इंडिया जो आए डॉक्टर ने अपोलो हॉस्पिटल के जो का इलाज शुरू होया, डॉक्टर ने रिपोर्ट की, उस तो बाद उन्होंने कहा तीन चार दिन बाद रिपोर्ट आएगी। चलो तीन चार बाद रिपोर्ट आई, डॉक्टर कहता नहीं इनू बोन के टीबी है। तो सारे बच घर एक खुशी का माहौल, क्योंकि तो बहुत वड्डी बीमारी तो छोटी बीमारी वाल सीगा भी चलो बीमारी वो नहीं जिहड़ी असीं सोच रहे थे कि बोन के टीबी है। लेकिन उस तो बाद जो फिर दोबारा इलाज शुरू होए वो फिर प्रॉब्लम चलती रही, दोबारा एम आर आई या दोबारा वो चीज़ स्कैनिंग हुई वो आ गई जिहड़ी कि बीमारी असी कोई भी नहीं सोचता सीगा कि यह बीमारी उस बच्चे नूं लगे। इहो जी ना मुराद बीमारी उस बच्चे नूं लग गई। वो बच्चे ने बहुत दलेरी दे नाल उस बीमारी का जो सामना किया। उस तो बाद एक बार इहो जिहा टाइम भी आ गया बीमारी दे विच 2018 के डॉक्टर ने एक बार कह दिता कि बीमारी है जी ठीक हो गई है, क्लीयर रिपोर्ट दे दी। सारे परिवार के योजी खुशी थी कि साडा बच्चा ठीक हो गया आ, एक पार्टी भी की गई उस बच्चे ने नहीं कि साडा बच्चा ठीक हो गया, लेकिन वो नहीं थी। 2020 भी एक बार रिपोर्ट आई कि साडा बच्चा फिर क्लीयर हो गया आ, लेकिन वो बीमारी अंदर तो अंदर अंदर तो अंदर अंदर तो अंदर यहोजी उहदे नाल लगी रही। कि मैं दस दवां कि जिहड़ी बीमारी उहनूं लगी सी पर्टिकुलर नाम मैनूं भुल गया, लेकिन वह बीमारी 35 लाख बंदियां तों बाद एक बंदे नूं बीमारी हुंदी है। मेरा परमात्मा नाल ही खेद है कि परमात्मा साडा ही बच्चा उस बीमारी नूं मिलिया सी। किसे नूं भी ना लाओ, मैं नहीं कहिंदा किसे नूं भी लाओ, लेकिन साडे बच्चे नाल इह तुसीं कीता। मैं परमात्मा नाल भी इस गल दा खेद करदा। मैं जिदा तुहानूं दस्सिया कि वो इन्ना दलेर सी, बहुत दलेर बच्चा, इन्ना दलेर बच्चा, मैं अज तक उहनूं कदी रोंदे नहीं देखिया। 10 साल उस बच्चे नाल असीं कट्टे, इहो जिही बीमारी नाल जूझदा रहा, पर कदी हंझू नहीं उहदी अखां दे विच देखिया। इहो जिही पेन सी कि मैं लास्ट दिनां दी गल तुहानूं दस्सदा कि इहो जिही पेन सी
ਉਹਦੇ 4-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਾਸਟ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਫਟਾਫਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਓ ਸੋ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਪਿਓ ਨੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜੋ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੋਣਹਾਰ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 98.85% ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਏ 98.85 ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦੁਬਈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਲੱਗ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਲੇਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਲੇਰ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕੇ ਯੂ ਐਸ ਏ ਹੋਰ 2-3 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ 100% ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 100% ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਤੇ ਤੇ ਉੱਠ ਜਾਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਇਸ ਅਟਲ ਵਿਧਾਨ ਕੋ ਮਾਨਤੇ ਹੋਏ ਹਮਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਗੌਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਉਨਕੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਕੁਲ ਦੀਪਕ ਜਿਨਕੇ ਭਾਵ ਕੋ ਜਿਨਕੀ ਕਰਨੀ ਕੋ ਅਭੀ ਅਭੀ ਹਮਾਰੇ ਆਸ਼ੂ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਬੜੇ ਭਾਵ ਸੇ ਜਿਸਨੇ ਜਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਭ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਮੇਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕੋ ਭਰ ਦਿਆ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ ਕਿਤਨੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕੁਲ ਜਨਮ ਕਾ ਉਸਕਾ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਤਪ ਥਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਸੀ ਆਯੂ ਨੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਭੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬੁੱਧੀ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨੀਸ਼ੀ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੇ ਖੇਤਰ ਮੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਈ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਆ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾ ਜੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁਆ ਅਟਲ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਹਿ ਭਰਤ ਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬਲ ਬਿਰਖ ਕਹੇ ਮੁਨੀਨਾਥ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਹਾਨੀ ਲਾਭ ਜਸ਼ ਪਿਆਸ਼ ਵਿਧੀ ਹਾਸ ਹਮ ਸਭ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਕੇ ਬੰਧੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਸੇ ਆਤੇ ਹੈ ਐਸਾ ਹਮਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾਏ ਭਲੇ ਹੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਕੇ ਲਈ ਆਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜ ਮੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਅਭੀ ਅਭੀ ਛੋਟੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜੈਸੇ ਉਨਕੀ ਜੀਵਨ ਕੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਉਨਕੀ ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਸੀ ਉਨਕਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਮੇਂ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਉਨਕਾ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੀ ਹੈ ਵਾਸਤਵ ਮੇਂ ਹੀ ਐਸੀ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਘੜੀ ਹੈ ਵਹੀ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਜਾਣਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਜਨਮ ਦਿਆ ਹੈ ਪਰ ਐਸੀ ਜਨਨੀ ਕੋ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਧਨ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਤੋਂ ਫੁੱਟ ਜਾਣਾ ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ
नहीं तो जननी बांझ रहे काहे वागे दूर। शहीद उधम सिंह के 84वें बलिदान दिवस को लेकर संगरूर में कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। शहीद उधम सिंह के जन्म स्थान पर सैकड़ों लोगों के साथ कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने शहीद को सजदा किया।
सुनाम में पहला केंद्र यूपीएससी का खोला जाए, इसको लेकर डेलीगेशन को कैबिनेट मंत्री ने आमंत्रित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री से मुलाकात का विश्वास दिलाते हुए कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब के युवाओं की यूपीएससी में संख्या बढ़ाने हेतु राज्य सरकार युवाओं को शिक्षा देगी। उन्होंने कहा कि इस संबंधी मुख्यमंत्री की अगुवाई में बैठक हो चुकी है। इस मौके पर खेल और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान पाने वाले युवाओं को विशेष तौर पर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर स्पोर्ट्स पर्सन मनदीप सिंह और ऑर्गेनाइजर केहर सिंह सहित कई गणमान्यों ने शिरकत की। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। दुद्ध सिंह कबूज यादगार कमेटी मेन वालों अज असीं शहीद दुद्ध सिंह का 84वां शहीदी दिवस मना रहे हैं। तो साड़ी कोशिश होंगी है कि शहीद दुद्ध की सोच में जी असी नौजवानों के लैके जाइए, क्योंकि उन्हों का सुपना सी कि मैं अपने देश को आज़ाद करावा। तो जन्ना ने बाग का उन्होंने बदला भी लिया, 21 साल बाद जाके बदला लिया तो देश को आज़ाद कराया। साडा सारा का फर्ज बनता कि असी उन्हों की सोच से पहरा दीए तो जी उन्हों की सोच आ वो अगे नौजवान वर्ग के लैके जाइए। सरदार ऊधम सिंह जी के शहीदी दिहाड़े मौके जो शहीद ऊधम सिंह कंबोज यादगारी कमेटी वालों शहीदी दिहाड़ा मनाया जा रहा है, इस दे विच स्पैशली अज असी सुनाम के उन्होंने खिडारियों का सन्मान कर जा रहे हैं जिन्होंने सुनाम शहर का नाम अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय रोशन किया है। ये साडा सारिया का फर्ज बनता है क्योंकि खिडारी किसी भी देश के और समाज के वधिया राजदूत होंगे, वो समाज में एक पक्का विश्वास है कि अज पंजाब दे बच्चे उन्होंने एक प्लेटफॉर्म देने की लोड़ है, जिहड़े इंटेलीजेंट बच्चे ने जिहड़े पर आर्थिक पक्षों अफोर्ड नहीं कर सकते हैगे, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए ताकि वह आपकी मेहनत के नाल आपकी हिम्मत के नाल वह आपके परिवार का ते पंजाब का नाम रोशन कर सकन। पिछले लंबे समय तुसीं देखिया होगा कि UPSC IAS IPS IRS IFS दे विच पंजाब दे बच्चों की गिनती दिन पर दिन घटती जा रही है। सो इस चीज़ को खत्म करने लिए पंजाब दे बच्चों की नुमाइंदगी पूरे मुल्क दे विच होवे, उन्हां नूं वड्डे अहुदिआं दे उपर उस देश की सेवा कर सकन, इहदे लई सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग ली है, बड़ी प्रीलिमिनरी मीटिंग हुई है, पर उन्हां दा मन बड़ा पक्का विश्वास है कि एक इहो जिहा प्लेटफॉर्म है जिहड़ा तैयार कर रहे हैं जिहदे विच सरकार उन्हां बच्चों नूं सपोर्ट करेगी, पढ़ाएगी, ताकि सिर्फ पंजाब दे विच ही नहीं पूरे देश दे विच आके पंजाब दा नाम रोशन कर सके। बड़ी प्रीलिमिनरी स्टेज ते, पर फिर भी कल मैं सारे साथियों नूं कहा कि तुसीं उहदा डेलीगेशन लेके आओ, CM साहब नूं मिलावांगे, ते जे ओह प्रैक्टिकली फीजेबल होया ते डेफिनेटली संभव हो सकता।